न जाने कितने रूप हैं इंसान के, माथे पर तिलक, सिर पर टोपी, हाथों में सुलगता लोबान, लाल हरी पीली साड़ियां, हर लिबास में अलग किरदार है। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, कभी पूछा है खुद से? कैसे हुई है इंसान की उत्पत्ति, कैसे मिला है हमें मनुष्य का जन्म? कहते हैं 84 लाख योनियों में जीवात्मा के भटकने के बाद अच्छे कर्म वाले को मनुष्य का जन्म मिलता है। जिसे हम मकान, शादी और रोजगार पाने में धीरे धीरे खर्च करते रहते हैं। जब सुकून नहीं मिलता तो भगवान की शरण में भागते हैं। और धीरे धीरे जिंदगी बुढ़ापे की ओर बढ़ती जाती है। पानी की लहरों सी चलती रहती है जिंदगी, न जाने कहां ठहरेगी, कुछ खबर नहीं। न जाने कितने पत्थरों से टकराएगी, कितनी मुश्किलों में फंसेगी, निकलेगी, फिर भी चलती जाएगी जिंदगी। चंद लम्हों की खुशी में जाने कहां कहां दौड़ती है जिंदगी, सुकून की तलाश में सफर सी कटती है जिंदगी। धरती पर एक ऐसा स्थान जहां मोक्ष पाती है जिंदगी, जहां सुकून की सांसें भरती है जिंदगी, जहां राहतों को चाहते मिलती हैं, जहां पापों का हरण होता है, जहां पुण्य का दरिया बहता है। ऐसा सिर्फ सौरो में होता है। कहते हैं सौरो बेमिसाल है, पूरी धरती पर अकेला है। बेमिसाल खूबसूरती, कुदरत का करिश्मा, आसमान से बरसती रहमतें, भजन की गूंज, बहती गंगा की अविरल धारा में इतिहास की कहानियां, यहां की शांति में भगवान करते हैं वास। यहां आकर नहीं रहता है कोई उदास, महसूस होता है घाटों पर भगवान भक्तों के साथ आस्था की अंजलि में ईश को श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं। गंगा मैया की गोदी में भक्ति की शक्ति डुबकी लगा रही है। सुकून के इत्मीनान में यहां सांसें हवा से भी हल्की हो जाती हैं। सोरण सूकर क्षेत्र की यह पवित्र भूमि भगवान विष्णु के तृतीय अवतार श्री वराह के कारण ही नहीं, बल्कि यहाँ पर 3 गंगाओं के होने के कारण भी प्रसिद्ध है। यह गंगा जहाँ पर हम खड़े हैं, यह वराह गंगा है, जो भगवान वराह ने अपने ही हाथों से इसका आरंभ किया था। सौरो वही जगह है जहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ, जहां तुलसीदास ने अपने गुरु नर हरिदास से सबसे पहले रामायण की कथा सुनी थी। देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, कासगंज। सौरो कासगंज से 9 मील दूर प्राचीन शूकर क्षेत्र है। प्राचीन समय में सौरों को
सरैया नाम से भी जाना जाता था। सौरों एक ऐसी जगह है जहां आस्था की अनंत सीमाएं हैं, जहां शांति है, जहां भगवान और भक्त का मिलाप है, जिसके घाटों पर इंसान क्या बेजुबानों पर भी आस्था का अमृत बरसता है। अपनों के मोक्ष के लिए देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ अस्थियां विसर्जन करने आते हैं। सोरों गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली मानी जाती है और बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ एक हर की पौड़ी कुंड है जिसमें गंगा जल आता है। वहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के अनेकों अनेक लोग आते हैं और अपने पुरखों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। और ये मान्यता है कि जो भी वहाँ विसर्जन होता है 78 घंटे के अंदर वो एकदम पानी जैसा हो जाता है। यहाँ प्रसिद्ध मार्गशीर्ष मेला धूमधाम से मनाया जाता है। हर अमावस्या, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, रामनवमी, मोक्षदा एकादशी के अवसरों पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। एकादशी का उसका विशेष महान महत्व है। इसका जो नहान यहाँ होता है वो मोक्षदायिनी होता है। इसमें लोग यहाँ स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहीं भी लोग जाते हैं कितने तीर्थ कर लें, लेकिन जब तक हमारे यहाँ सोरों में नहीं आते तब तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बड़े पर्वों पर तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। जैसे आपका सोमवती अमावस्या हुआ या पूर्णिमा पे हुआ, और यहाँ पे एक मेला जो लगता है, मेला मार्गशीर्ष प्रमुख पर्व है यहाँ का, 15 दिन चलता है हमारा। चारों दिशाओं से मंदिरों से घिरा है सौरों कुंड। कुंड के पानी में आस्था की बहुत सी कहानियां बहती हैं। यहाँ भगवान वराह का मंदिर भी मौजूद है। कहते हैं हिरणाक्ष दैत्य का वध करने के बाद वराह देव धरती पर ही विलीन हो गए। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन लहरेश्वर शिव मंदिर, लड्डू बाबा बालाजी का मंदिर और प्राचीन सीताराम जी का मंदिर यही है। कुंड के पानी में आस्था की बहुत सी कहानियां बहती हैं। आरती की घंटियों में धड़कती हैं धड़कने। हवाओं के बीच जलते हैं आस्था के दीपक। भक्ति की भावना में लीन भक्त मानो भगवान के साये में है। आस्था से गुजरता है जीवन का रास्ता। सौरों को इतना सुंदर बनाने के लिए हजारों आंखों ने सपना देखा है। गंगा माँ की मैली ओढ़नी को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से आह्वान किया था। आज गंगा स्वच्छ हो रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी विगत सप्ताह में आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में देखा होगा कि उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जल संचय और जल संरक्षण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जैसा आप कह रहे हैं कि कासगंज जनपद में जिलाधिकारी कासगंज द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए और कुछ विशिष्ट प्रयासों से मनरेगा योजना अंतर्गत विलुप्त प्राय नदी बूढ़ी गंगा को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक प्रयास किया गया है। हमारी DPR है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनी है सौरों के घाट के लिए, उसमें इस बात का बहुत ख्याल रखा गया है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, भगवान वराह का मंदिर है और ये सौरों का कुंड है, उसके लिए कि सबसे पहले हमारी ज़रूरत है कि हम पानी को बिल्कुल साफ सुथरा कर दें कि हमारे जितने धार्मिक अनुयायी हैं, जितने आगंतुक हैं, वो आएँ तो इस बात को आकर गौरव महसूस करें कि जैसा गंगा जी का पानी कभी सदियों पहले यहाँ पे आता था उतना ही साफ पानी फिर से आज यहाँ पे सौरों के कुंड में आ जाए। हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमारे पास भगवान वराह का मंदिर है, संकट मोचक हनुमान जी के मंदिर हैं और बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत हैं जो 350-400 साल पुरानी हैं। उनको सहेजने के लिए भी एक एक्सपर्ट की टीम लगाई जाएगी कि हम इसका अद्भुत प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी पूरी तरह से सहेजते हुए उसको उसी रूप में रखकर हम कोशिश करेंगे कि इस पौराणिक स्थल की जो परंपरा रही है, जो इसकी गाथा रही है, उसका महिमा मंडन और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हो पाए। सौरों की बूढ़ी गंगा
300 साल पुरानी वाली अपनी रवानी देखना चाहती है, फिर से वही उमंगे चाहती है, गंगा की लहरों पर पहले वाली कहानी लिखने के लिए मेहनतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। नमामि गंगे से होगा गंगा का उत्थान, खुशहाल रहेगा किसान। ये गंगा जी के जो भी आप पानी देख रहे हैं, ये गंगा जी का पानी है और अभी एक नहर के माध्यम से आ रहा है कि काफी दूर से आती है तो कहीं कहीं थोड़ा सा दूषित हो जाता है। इसके लिए हमारे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है उसमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिससे जो भी पानी हमारे इस घाट में, इस कुंड में गिर रहा है, वो पूरा का पूरा एकदम गंगा की पानी की तरह निर्मल रहे, साफ रहे और साथ ही साथ यहाँ पे पानी इकट्ठा ना होना पाए। और हम समझते हैं कि जब घाट का पानी साफ होगा, इतना साफ होगा कि आप उसमें मछली ऊपर से लेके नीचे तक देख पाएंगे, तो उस दिन हम समझेंगे कि हमारी जो मेहनत है इस सौरों की पौराणिक परंपरा को कायम रखने की, उसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का के निर्देश पर सौरों के समग्र विकास के लिए योजनाएं तैयार कराई जा रही हैं। शासन से भी निर्देश मिले हैं कि सौरों का समग्र विकास हो, पर्यटन की दृष्टि से विकास हो, धार्मिक दृष्टि से विकास हो। गंगा को शुद्ध करने और सौरों की तस्वीर बदलने के लिए हर कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है, ताकि बूढ़ी गंगा के चेहरे से झुर्रियां हटाई जा सकें। आप भी कुछ दिन गुजारिए सौरों के घाटों पर, आरती की अर्चना में, कुंड के साय में, जहां भक्ति का भाव है, जहां बच्चों की शैतानियां हैं, पानियों पर कलाबाजियां हैं। सौरों इसलिए ही बेमिसाल है, आइए कभी सौरों